आज? तो कहाँ हुई थी? ऐसा था कि मैं दिल्ली से पूना, मुझे इनवाइट किया गया था डॉक्टर मशेलकर ने इंडियन साइंस कांग्रेस में, और जिस प्लेन में मैं, जो फ्लाइट थी उसमें मैं बैठ गया, और बैठने के बाद मेरा एक प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि भाई वो कहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर भरद्वाज। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे पास लिस्ट ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि लिस्ट? तो मैं कॉकपिट में चला गया तो देखा पहली सीट पे तन्मयता के साथ कलाम साहब लिख रहे थे। मैं वो तो भूल गया, भूलने के बाद मैं उनके पास देखता रहा। दो तीन मिनट के बाद उनकी आँखें मेरी तरफ आई, तो एकदम इशारे से उन्होंने मुझे बुला लिया। तो बुलाने के बाद फिर मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा मुझे एक शिकायत है आपसे कि आपने मेरे एक पत्र का जवाब नहीं दिया। बोले किस संबंध में आपने पत्र लिखा था? मैंने कहा कि आपने एक स्पेस के लिए जो मटेरियल बनाया था उससे हैंडीकैप्ड के आर्टिफिशियल लिम्स बनाए हैं, तो बोले आपका क्या इंटरेस्ट है? मैंने कहा मैं भी एक अलीगढ़ में एक छोटा सा आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर चलाता हूँ, और अगर मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। आपने तो बोले उसके बाद और सवाल मुझसे किए, मेरा पूरा टेस्ट लिया कि वास्तव में मैं जेन्युइन आदमी हूँ या कि आप कहाँ से फुट कहाँ से खरीदते हैं, पाइप कहाँ से खरीदते हैं, इंजर्स कहाँ से हैं, सब चीज़ें। जब सेटिस्फाइड हो गए तब उन्होंने मुझसे कहा कि नाउ यू विल गेट रिप्लाई। बोले और आप क्या करते हैं अलीगढ़ में? मैंने कहा मैं थोड़ा सा, मेरे इनोवेशन का वर्क है। पहला वर्क तो मेरा रेलवे टिकट डेटिंग मशीन का है, जिससे रेलवे को 200 करोड़ पर एनम का फ़ायदा हुआ है 1984 से। और क्या है मेरा एक छोटा सा इनोवेशन, जो राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, उस जो उन्होंने जो फर्स्ट एक कवर कैंसिलेशन किया है स्पेस में, वो मेरी मशीन से किया है। ये दो जब एस बातें हुई कि भाई 200 करोड़ का और स्पेस का है, तो उन्हें थोड़ा और तो बोले ये तो बहुत अच्छा काम है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और ये हमारी उनकी बात, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा इंडियन साइंस कांग्रेस में जा रहा हूँ, जहाँ मिस्टर मशेलकर ने मुझे इनवाइट किया है। तो बोले वहीं, बोले क्या मुलाकात आपकी, वहीं हमारी यहाँ आपकी मुलाकात होगी।